Okay, guys, welcome on today's the Skills Age Planning Engineering job session session. And in today's session, we are going to have a planning engineer job interview kind of thing. Or iske andar bahut sari cheeze hum discuss karenge. So first thing, main jo question puchunga abhi one by one, aap logon ke naam leke bhi puch sakta hu, badi basic si cheeze hain. So Azam, can you please unmute your mic? Aur mujhe aapne ek sawal ka jawab dena hai. Can you explain? What is an EPC project? Engineering procurement and constructions. ऐसे नहीं, जॉब इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाएगा ऐसे बिल्कुल जवाब. ये तो आप एब्रीविएशन बता रहे हैं, मैं आपसे ईपीसी प्रोजेक्ट के मुतालिक पूछ रहा हूँ. जस्ट मेक सेंटेंसेस, जवाब देना ना हमने. यस सर, यस सर. EPC basically we are just going to construct or we are just going to develop any product. Every time we are going to make any product. Okay, okay. Next, I will go for another. कोई भी बंदा जो इसको अच्छे तरीके से समझता है, मैं explain कर सकता हूँ. So please unmute your mic and yes. सबके माइक म्यूट करके जी. अब कोई भी बंदा, उमेर अशरफ, आई बिलीव के उमेर अशरफ इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. जी उमेर, व्हाट इज एन ईपीसी प्रोजेक्ट? अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम सर, ईपीसी प्रोजेक्ट्स आर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड ब्रेक लग रही है, सबकी ब्रेक लग रही है, कोई मसला नहीं है, ब्रेक लग रही है. आई एम एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द थिंग्स के चीज जितनी मर्जी अच्छी सीख लो, जो मैंने चीज समझी है अपने जॉब कैरियर के अंदर, हमें एक्सप्लेन करनी आएगी तो हम समझेंगे कि हाँ यार ये ठीक है. बड़ी बड़ी सर जी, मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल 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 यस. अच्छा, इसमें सर ईपीसी से ये मतलब है आप जो जो किसी भी मुल्क के अंदर उसके रूल्स और regulations. That is enterprise. That is enterprise. Enterprise. That is enterprise. Please next 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 next. That is enterprise project structure. वो EPS है. सर मैं EPS है. जी next please. निजाम. डिपार्टमेंट होता है ना, EPS एक डिपार्टमेंट होता है जो किसी भी कंपनी डिपार्टमेंट को किसी भी. I'm talking about what is EPC project. EPC. So, निजाम ने अभी अभी आम किया था. निजाम को पहले मौका दें यार. जी निजाम. एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. निजाम को मौका दीजिए यार. वन जिसका नाम लो थोड़ा फॉलो करें मुझे यार, मैं आप पे भी आता हूँ. Sir, a project or a contract in which a contractor deal engineering, design, procurement and construction by themselves is called EPC contractor. Good. ठीक है. देखिए, मैं अभी आपको, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ईपीसी प्रोजेक्ट पूछो, आपको पता या नहीं होता. अभी ये ARE ACES के नाम से है, मुझे आपका सही नाम नहीं अभी ऊपर शो आप हो रहा, तो आप कंफ्यूज हो गए थे. आप EPS प्रोजेक्ट के बारे में, EPS प्रोजेक्ट नहीं होता, आप EPS को एक्सप्लेन कर रहे थे. आई वॉज टॉकिंग अबाउट EPC. EPC एक आपके प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है. आप अपने समझ लें कि इसमें तीनों चीजें. अभी आजम आपने भी जवाब जब दिया ना, सो यू आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट. हम कंस्ट्रक्शन तो हर प्रोजेक्ट में किसी ना किसी तरीके से करते हैं. तो ईपीसी प्रोजेक्ट ही होता है जिसका डिजाइन, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार, कंट्रैक्टर या सर्विस कंपनी की जिम्मेदारी होती है और ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये बड़ी सिंपल सी चीजें जो आपको इस कोर्स के बाद जब कहीं पे अप्लाई करेंगे, किसी को बताएंगे मेरा प्राइमरा कर चुका हूं, सो दे विल मोर इंटरेस्टेड इन टू द थिंग्स. अच्छा, प्राइमरा से पहले इसको ये चीजों का भी पता है कि नहीं? सो नो प्रॉब्लम. आप गलती करेंगे तो सीखेंगे. ऐसा नहीं है कि आप कहें यार मुझे नहीं आया. डोंट फील, आप पार्टिसिपेट कर रहे, दैट्स फैंटास्टिक. अच्छा, नेक्स्ट एहतिशाम फारूकी. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये आपने तो प्रोजेक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के अंदर है ना ईपीसी जी, ये प्रोजेक्ट की टाइप तो नहीं है. सॉरी, क्या नहीं है? जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है ईपीसी, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ही डिजाइन भी करता है और प्रोक्योर भी करता है, तो ये चीज तो आपने जब पढ़ाई थी, तो ये तो आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब बताए थे उसमें ये चीज एक्सप्लेन. और प्रोजेक्ट की टाइप का कहां से पता चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट से. कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इंडिकेट द प्रोजेक्ट. देखें, आप मुझे कह रहे हो मैं जो समझाऊं वो आप कह रहे हो कि हमें प्रोजेक्ट टाइप तो नहीं पढ़ाई, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया है. तो
भाई इस सवाल की लॉजिक नहीं मुझे समझ आ रही। प्रोजेक्ट की जो एक टाइप है वो कहां से डिफाइन होगी? कॉन्ट्रैक्ट से होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वो चीज है जहां पे हर चीज के मुतालिक लिखा हुआ है कि हमारा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, प्राइस क्या है, डेट क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो ईपीसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। नेक्स्ट एहतिशाम फारूकी से मेरा क्वेश्चन है। एहतिशाम, मुझे सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर यू आर मूव्ड टू साइट, आप साइट के ऊपर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे भेज दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होंगी? सर, सबसे पहले तो मुझे ड्राइंग चाहिए होगा। ड्राइंग ड्राइंग किस लिए के बाद चाहिए? सर उसके लिए लेआउट वगैरह के लिए, किसी वर्किंग के लिए पहले तो ड्राइंग चाहिए होगी, डिटेल ड्राइंग जो शॉप ड्राइंग जिसे कहते हैं वो चाहिए होगी। उसके बाद स्टाफ की जो मोबिलाइजेशन हुई है वहाँ पे, जो उसकी डिटेल लेनी होगी, कितना स्टाफ है, कितनी मशीनरी है, और कौन कौन सी यानी कि उधर चीजें उस पे अवेलेबल है, हमारी साइट पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है, यही। और इसके अलावा सही जवाब दिया आपने। आप इसके अलावा और कोई ख्वाहिशमंद हो? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तीन चार पूछूंगा आपको। मुझे सर जी मैं सर, थोड़ा सा कुछ मैं करना चाहता बताऊं, हूँ। मुझे रेहान मंजूर को मौका दे यार, रेहान मंजूर को मौका दे। जी रेहान, सर सही, जिसने भी सबसे सवाल बताया ना जवाब उसने सही बताया है, बट आई वॉन्ट समथिंग मोर। जी सर सबसे पहले आप साइट पे जब जाएंगे तो साइट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसमें आपकी साइट एनालिसिस मींस कि आपकी जो लैंड है वो टाइप ऑफ लैंड कैसी है, फ्लैट है, कंटूअर है, ठीक है। और आपके पास ड्राइंग होगी, ड्राइंग से भाई मेरी आपके बात सुने, रेहान 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 भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर को इससे पहले साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें टू दी पॉइंट सवाल का जवाब देना है। हम पूरे प्रोजेक्ट के प्रोसीजर को नहीं बताएंगे कि हम साइट पे जाएंगे, टाइप वो ऑलरेडी डन हो चुका है। हमें बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर शेड्यूल बनाना है, तो हमें चंद एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो इससे पहले एक भाई बता रहे थे, तो सब लोग लिखें, मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपको चाहिए, मैं थोड़ी सी चीजें भी साथ साथ सिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीजें, सिंपल है, कोई मसला नहीं, इट्स फाइन, हम वही चीजें पढ़ के आए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या, इसका लिंक भी दूंगा, कोई मसला नहीं है, ये लिंक आपको मिल जाएगा, फिर आपको उसमें भी नोट डाउन करने का। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। अब प्रोजेक्ट कंट्रोल जो होता है ना, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ना लिख भी दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर। ये क्या होता है? प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है, हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, क्या माइलस्टोन्स हैं, हमारे पेमेंट मेथड्स क्या हैं, हमारे प्रोग्रेस मेथडमेंट प्रोग्रेस मेजरमेंट का मेथड क्या होगा। सिंपल मतलब वो जो हम अभी चीजें कुछ कर रहे हैं और कुछ करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेस को कैलकुलेट करना है। ये एक हर कंपनी के अंदर एक नॉर्म्स होते हैं, ये सबसे पहले मेथोडोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, WBS क्या है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है स्कोप। स्कोप कहाँ से आएगा? अभी थोड़ी देर पहले एक इंजीनियर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे ड्राइंग्स चाहिए, ठीक है, तो आपके पास क्वांटिटी सर्वेयर होता है या फिर आपके पास डिजाइन इंजीनियर होता है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्या करने के लिए? मटीरियल टेक ऑफ के लिए, ठीक है। मटेरियल टेक ऑफ का मतलब क्या है? डिजाइन से जो आपने मटेरियल बाहर निकाला हुआ वो क्वांटिटी सर्वेयर आपको हेल्प आउट करेगा, उससे आप अपने डिलीवरेबल्स बनाओगे कि अच्छा यार मुझे जो है ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर अर्थवर्क करना है। ये आपको डिलीवरेबल्स, ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग इंजीनियर सुपरमैन है और उसने सारे काम खुद करने हैं, यू हैव टू एंगेज। ये बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेंट होता है सोचने में कि यार मैं प्लानिंग इंजीनियर सीख तो गया हूं लेकिन मैं अब ये चीजें कहाँ से लूंगा। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब डेजिग्नेशन होते हैं, तो MTOs इसको कहते हैं, मटेरियल टेक ऑफ, ठीक है। और एक होती है मटेरियल रेक्विजिशन, ठीक है। कुछ चीजें आपको लोकल मार्केट से मिलेंगी और कुछ चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? बाहर के ममालिक से लेनी है, ठीक है। उसको हमने सेशन के अंदर भी कवर किया हुआ है, बल्क आइटम्स एंड लॉन्ग लीड आइटम्स। ये जो चीज है ये होती है बल्क आइटम्स के लिए, ये लॉन्ग लीड आइटम्स के लिए होती है, बात समझ रहे हैं?
ये दो चीजें समझ आ रही हैं? अच्छा, ये सिंपल सी चीजें हैं, मतलब वही प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर चाहिए, स्कोप चाहिए, स्कोप के अंदर आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ कि ये लोग आपको स्कोप देंगे, बीओक्यू की शक्ल में हो सकता है, ड्राइंग की शक्ल में हो सकता है, उससे मटेरियल टेक ऑफ करना है, ये मैं जस्ट डाटा बता रहा हूँ, यही वो डाटा जो हम पढ़ के यहाँ पे आए हैं। बीओक्यू भी ड्राइंग से निकला होता है ना, लेकिन ये नहीं करना कि अगले बंदे को सिर्फ एब्रीवेशन बता दे, भाई अगला बंदा ब्रेक लगा देगा इंटरव्यू में, वो ये नहीं कहेगा नहीं नहीं वो कहेगा इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको किस तरीके से एक एक, एक सिंपल सी चीज है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये स्कोप आ गया आपके पास, फिर इन्होंने बताया नंबर ऑफ मशीनरी डिप्लॉयमेंट, मशीनरी की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, मैन पावर की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? और इसके बाद आपके पास लेआउट प्लान्स होने चाहिए, लेआउट प्लान्स जो भी आपके प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स, लेआउट प्लान, मार्किंग एरिया की जो होती है, ये चीजें होनी चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर एटलीस्ट जॉब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, एक प्लानिंग इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, दे विल आस्क यू अबाउट दिस थिंग फॉर श्योर, व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू मेक आवर वे फॉरवर्ड फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ अ सर्टन प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट थिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर, उसका सिंपल सा मतलब क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, माइलस्टोन्स क्या है, प्रोग्रेस कैसे मेजर करनी है, पेमेंट्स कैसे करनी है, सिंपल। स्कोप, प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से काम है, वो कहाँ से आएंगे, वो आपको सबसे पहले WBS बनाना है, फिर एक्टिविटी लिस्ट बनानी है, आएंगे कहाँ से, डिजाइन से हेल्प कौन करेगा, क्वांटिटी सर्वेयर एंड डिजाइन इंजीनियर्स यू विल टेक द थिंग्स फ्रॉम दोस पीपल, ओके? एंड देन फिर उन कामों को करने के लिए ऑब्वियसली एक स्टोरी बना सकते हैं ना, भाई ये काम करेगा कौन, मशीनें करेंगी और लोग करेंगे, उनकी लिस्ट मिल जाए, फिर जो साइट है उसका लेआउट प्लान मिल जाए, सिंपल। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और यही चीजें हमने पढ़ी हैं कि हमने किस तरह से, अभी खैर पढ़ भी रहे हैं तो ये चीजें जो है ना इनको साथ लेके चलना है, ठीक है? अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया दरमियान में। MR, मटीरियल रेक्विजिशन, MR, ये क्वेश्चन पूछा गया मटीरियल रेक्विजिशन के, ये मटीरियल चाहिए, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है? सर, यू कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ प्लानर व्हेन जॉइनिंग अ न्यू कंपनी? यार ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यही सवाल है मेरा बाकी लोगों से, देखते हैं कौन कौन इसको अच्छे तरीके से बताता है। मेरा अगला क्वेश्चन है जी, प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल बताना है इब्रार भाई ने। जी इब्रार भाई, अपना माइक अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन, साथ साथ आप सवाल भी लिखते जाएं प्लीज, जो जो आपके जेहन में, कुछ लोगों के जेहन में सवाल होंगे, कुछ लोग सवाल का जवाब देने के ख्वाहिशमंद होंगे। तो इस्माइल भाई या फिर इब्रार भाई, इब्रार भाई ने अनम्यूट कर दिया। जी इब्रार भाई, सामने का मुकाबले कैसे हैं? ठीक है, बस दो मिनट दूंगा पंडित साहब, बाद में ना एपिडेमिक आई भी आंखों की और आंखों का शदीद वजह भी आपको रेड हुई भी है, अच्छा क्लासेस लगा के ना वो सुनो। अच्छा, बेसिकली आपने पूछा कि प्लानिंग इंजीनियर की ड्यूटीज वगैरह क्या होती है ना, तो ये ऑडिट जो आप एक्सप्लेन कर चुके हैं आई गेस यही है, जो जिस फॉर एग्जाम्पल जो साइट पे जाएगा ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होंगे, स्कोप का उसे पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे फिर जब वो ऑन साइट ये ड्यूटीज ये तो पहले वो पता करेगा, फिर ऑब्वियसली इनको सारों को जब इंप्लीमेंट करेगा तो वो उसकी ड्यूटीज में आप शामिल हो जाएंगे सब चीजें, आई गेस। ओके, मैं बता देता हूँ, प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपकी ड्यूटीज ये होती है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना है, सिंपल शेड्यूलिंग करनी है, उसकी कॉस्टिंग करनी है, उसका CPM था, मतलब अब मैं देखे ना जितना मर्जी प्लान को आप स्प्लिट कर दूं, अब प्लान को स्प्लिट कर दूं मतलब कि उसके अंदर 100 चीजें भी आ सकती है, लेकिन हमने जब जॉब इंटरव्यू के अंदर बैठना होता है तो हमने ऐसा तो नहीं है कि अगले बंदे को बोल करना है। सो द प्रीटी क्वाइट ऑन टू द पॉइंट क्वेश्चन इज आंसर इज के बींग अ प्लानिंग इंजीनियर वी नीड टू परफॉर्म प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग ड्यूटी एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, and we have to prepare scope management, time management, cost management, resource management as per the given conditions of project. फिर उससे हमने planning package prepare करना होता है जिसमें S-curves आ जाते हैं, project schedule आ जाता है, उसमें different requirement plans आ जाते हैं, look at plans आ जाते हैं, और उसके मुताबिक एक planning engineer ने जो baseline है, जो planning package है, उसको एक मॉनिटर करना होता है एक्चुअल फेज के अंदर, फिर दोनों की प्रोग्रेस को कंपैरिजन के अंदर लेके आना होता है, फिर उसके मुताबिक, क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोल, पहले प्लान करता है, फिर मॉनिटर करता है और फिर कंट्रोल करता है कहां पे मसले आ रहे हैं। सो दिस इज द बेसिकली मेरे पास, मैंने ये पहले भी यार ये जो पहला मेरा लेक्चर है ना उसके अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है? वो पांच चीजें बताई थी, ठीक है? ओके जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसी को स्कोप मैनेजमेंट के अंदर, व्हाट इज स्कोप मैनेजमेंट? साथ साथ क्वेश्चन भी पूछते जाए कवर होता जाएगा।
सर मैं रिप्लाई करूँ इसका? जी 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 टास्क जी टास्क टू डू सर, स्कोप मैनेजमेंट से रिलेटेड यह है कि स्कोप मैनेजमेंट टू वी हैव टू बी मैनेज और इंश्योर द वर्ड्स इंक्लूड्स एंड वर्ड्स नॉट इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट। ये हाँ बिल्कुल सही है, ये बड़ी बुकिश डेफिनेशन है, सही है। टास्क जी लेकिन टास्क और इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट इज स्कोप टू राइट ईच एंड एवरीथिंग विच वी नीड टू परफॉर्म ऑन साइट टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एज पर द, मतलब जो भी चीज हमने परफॉर्म करनी है साइट के ऊपर, जो भी काम है उनको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के मुताबिक। एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कोप मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, कैसे समझ लें कि इसकी क्या एक तरतीब बनती है? इसकी तरतीब है कि सर सबसे पहले डिफाइन स्कोप करेंगे हम लोग, डिफाइन स्कोप के बाद सर कलेक्ट रिक्वायरमेंट करेंगे हम इसमें, ठीक है। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के बाद सर हम ये मैं पीएमपी का प्रोसेस नहीं पूछ रहा, मैं पीएमपी का प्रोसेस, मैं डिफरेंट स्टेजेस पूछ रहा हूँ कि स्कोप डिफाइन कर लिया, एक इसके अंदर डब्ल्यूबीएस होता है, फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। जी, एक स्कोप में सर WBS होती है, WBS डिक्शनरीज हैं, और फिर इसमें के अंदर एक्टिविटीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, यार आप एक्टिविटीज के पीएमपी एक पर सुना लिस्ट रहे हो बना। मुझे, पीएमपी किया हो ना आपने, जी सर ये पीएमपी की चीजें हैं। देखिए जब हम प्रैक्टिकली चीजें लेके आते हैं ना साइट पे, मैं वो चीजें पूछ रहा हूँ, वो ठीक है, वो सही है, वो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट सबसे रेलिवेंट। मैं ये कह रहा हूँ स्कोप मैनेजमेंट जो है ना उसको हमने परफॉर्म करना है, वो ठीक है वो चीजें, लेकिन मैं टू दी पॉइंट चीजें पूछ रहा हूँ कि आपने स्कोप मैनेजमेंट के अंदर क्या स्टेजेस हैं, WBS होता है उसमें, इसमें सर डिलिवरेबल होता है। मैं थोड़ा जी सा बताऊं सर, जी जी बताएं। इसमें सर शेड्यूल होता है और टाइम एस्टिमेशन कर, और इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट। नहीं, आमिर अब्बास भाई आप ये पूरा, आप पता क्या सर यार, ये तो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल बता रहे हैं ना, मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का इसमें एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट पूछ रहा हूँ स्कोप सिंपल सी मैनेजमेंट चीज है सर, टू बी ऑनेस्ट इसमें दो ही चीजें लाइक मुख्तसरन, एक जो है ना WBS है और एक जो है ना आपका BOQ है। में। मैं तो मेरे एक्सप्लेन को करता तो हूँ, सर हर बंदे ने सर थोड़ा मैं थोड़ा सही एक्सप्लेन करता बताया हूँ है, सर, मैं मैं एक्सप्लेन करता करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ हूँ। देखिए WBS और एक्टिविटीज को डिफाइन करना। सही है, अच्छा मैं अब आपको ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा ख्याल है तीन चार लोगों ने बताया, बताने की कोशिश की है। देखिए स्कोप मैनेजमेंट का मतलब यह है कि यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आपने एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने काफी सारे किचन के शो देखे होंगे, रेसिपी बिरयानी बनाने की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हर तरह का, अब प्याज भी मिस नहीं कर सकते भाई, उस डिश के अंदर प्याज नहीं डालेंगे तो वो डिश का मजा ही खराब हो जाएगा, वो रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, आप कहेंगे यार इसमें किसी चीज की कमी है। तो ज़हन में ये रखें कि जब एक रेसिपी लिखी जाती है, जब एक डिश तैयार की जाती है, तो होता है ना साइड पे सारी चीजें लिखी होती हैं, ऐसे ही है ना, तो हमने कोई चीज मिस नहीं करनी कि वो स्कोप है उसका, ठीक है। इसी तरीके से हम को बिल्डिंग तैयार करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू डू, बट वेन वी आर कंसर्न विद आवर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, तो स्कोप मैनेजमेंट सबसे पहली चीज जो हमने करनी है। स्कोप मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया, टू राइट ईच एंड एवरीथिंग विच इज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं लिखना। अब दही आपने बिरयानी में डालना नहीं, आपने लिखा हुआ, ये भी गलत है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज लिखनी है ना कोई जरूरी चीज मिस करनी है, पहली। अब बनेगा कैसे ये अगर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आए, देखिए हमारा काम है प्लानिंग करना, ठीक है, तो प्लानिंग बड़ी स्मूथ और आइडेंटिफाई तरीके से मतलब उसको करना है, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट जोन में डिवाइड कर लेना है, डिफरेंट डिलीवरेबल्स के अंदर आ जाना है, यानी कि उसको हम कहते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, नाम से ही जाहिर है अपने काम को ब्रेक डाउन करना है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के तीन पहले सबसे टॉप के आ जाएंगे, पहले डिजाइन फील्ड आ जाएगी, इंजीनियरिंग, फिर प्रोक्योरमेंट, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर हम डिजाइन को डिवाइड करते हैं, फिर उसको मजीद डिवाइड, जैसे हमने पढ़ा जो हायर लेवल WBS होता है दैट इज क्या होता है, डिलीवरेबल, जो लोएस्ट लेवल WBS होता है उसको हम कहते हैं वर्क पैकेज, और फिर वर्क पैकेज को मजीद टास्क के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे एक्सकवेशन, कंपैक्शन, लीन, रीइन्फोर्समेंट, छोटे छोटे काम जो एक्टिविटी कहलाते हैं, उसकी डेफिनेशन भी मैंने अच्छे तरीके से बताई हुई है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है स्कोप मैनेजमेंट में, WBS, फिर WBS को डिवाइड करते हो फर्दर चीजों में डिलीवरेबल, फिर डिलीवरेबल मजीद वर्क पैकेज, फिर वर्क पैकेज आपका आता है एक्टिविटीज। इसको पैटर्न को याद रखिएगा, हम कहते हैं टॉप टू डाउन, सर जब ये भी स्कोप कॉन्ट्रैक्ट तैयार के करते हिसाब हैं। से होता
टॉप ये टू टॉप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, ये प्लानिंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तो नहीं लिखा होगा कि आपने फाउंडेशन को इसको ये फाउंडेशन वन का नाम देना है, स्पेसिफिक चीजों को कॉन्ट्रैक्ट में वो बताएगा, लेकिन ये प्लानिंग का एक नॉर्म है, एक स्टैंडर्ड है कि आपने स्कोप मैनेजमेंट जो है ना वो किस तरीके से करनी है। WBS है, ऑब्वियसली आपकी बिल्डिंग बन रही है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ये तो नहीं बनाएगा कि यार कि आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर को डिवाइड करें, फिर ये तो सिंपल बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी प्रोडक्ट, आपको पता है मुझे बिल्डिंग बनानी है, इसके 10 फ्लोर है, हर फ्लोर के अंदर मुझे ये काम करने हैं, तो अकॉर्डिंगली वो BOQ के अंदर दिया होगा ना, तो BOQ भी एक्चुअली बीओ उसका हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट का। आप भी एक तरीके से सही कह रहे हो, तो वहां से हमने ये चीजें बड़े समराइज तरीके से लेके आनी है। और ठीक सर है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो फिडिक से मिलेगा, जो कि कहां वो से मिलेगा? क्लियर नहीं, फिडिक। फिडिक, फिडिक से नहीं मिलेगा यार, फिडिक से नहीं मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट के डिजाइन से मिलेगा। डिजाइन में है ना क्या क्या चीजें ठीक बनानी है है, उसके हिसाब से आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है सर। सही है, इसको सर हम टॉप टू एक डाउन कहते हैं, मेरा ऊपर से नीचे आ रही है, एक याद रखने वाली बात है। क्या है? टॉप टू डाउन, ऊपर से सर नीचे आते हुए हम ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं चीजों को, छोटे छोटे लेवल। ठीक है, सर एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कोप मैनेजमेंट में क्वेश्चन बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट, इजाज तो अली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल डाटा। इजाज, जब हम साइट की प्रोग्रेस को हम कहते हैं एक्चुअल डाटा, जो साइट पे काम हो रहा है ना, काम होने से पहले जो हमने अंदाजा लगाया, जो एस्टिमेशन किया, वो कहलाता है प्लानिंग। काम होने के बाद जो स्टैट्स आएंगे, जो प्रोग्रेस आएगी, उसको हम कहते हैं एक्चुअल डाटा। जी, आप जो सवाल पूछ रहे थे पूछे, हाँ मेरा सर सवाल ये है, जो आपकी आवाज बहुत कम आपने आ रही है गुलशन, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर, थोड़ा आवाज बैकग्राउंड बहुत ऑफिस कम में है। सो इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। आप लिख अच्छा दें, आपकी आवाज कम आ मतलब रही है लिटरली। अभी आ रही है आवाज, आ रही, अभी आ रही है सर आप। वैसी ही आ रही है, बोले, समझ आती है। मैं बता, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो स्कोप मैनेजमेंट या स्कोप जिसको हम बोले, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ये सिंपल लैंग्वेज में बोले, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं वो बीओ की हुई ही स्कोप मैनेजमेंट है, जिसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो BOQ ही आपका स्कोप मैनेजमेंट है, सही कह रहे हैं, लेकिन BOQ इस तरह से होता है कि वो किसी दूसरे बंदे को समझ नहीं आता। हम चूंकि डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर, कम क्लाइंट, और डिफरेंट लेवल पे मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फॉलो करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे प्लानिंग करनी है तो आपने स्कोप मैनेजमेंट करनी है। तो स्कोप मैनेजमेंट BOQ को एक तरतीब देती है, ठीक है, यानी कि एक इंसान है, उसने मेकअप नहीं, एक लड़की है, उसने मेकअप नहीं किया हुआ, ठीक है, अब वो मेकअप करेगी तो खूबसूरत लगेगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये भी मेकअप है, आपने कुछ चीजों को उठा ऊपर ले जाना है, कुछ को नीचे ले आना है, तरतीब के साथ, सिविल के काम अलग कर देने हैं, मैकेनिकल के, हो सकता है BOQ में हर चीज सिविल के बाद मैकेनिकल का काम है, मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल की आइटम है, फिर सिविल की आइटम है, तो वो बेतरतीबी। तो प्लानिंग का मतलब ही क्या है, तरतीब, सीक्वेंस, लॉजिक, ठीक है, ऑर्डर। अच्छा एक छोटा सा सवाल सर, कोई जी हमसे जी पूछे, कोई फिजिकली हम, आप मुझे स्कोप दिखाए अपना, तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हम उनको देंगे, हैं हाँ ये हमारा स्कोप है, क्या BOQ या क्या इसकी जो जो ग्राम जी जी पीसी है? BOQ ही आपका स्कोप होता है। उसमें मैंने आपको शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था, वहां से आपको आइडिया होता है, QS, डिजाइन इंजीनियर, कंट्रोल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट, BOQ, ये सारी चीजें, और फिर कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होते हैं सैंपल के तौर पर, पहली दफा कर रहे हैं फिर तो आपको ऑब्वियसली एक समझ ले सैंपल चाहिए होता है, अच्छा जी ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसा बनाना है। हाँ कॉस्ट आपकी डिफरेंट होगी, लेकिन स्टेप्स आपके सम हो वही होते हैं, सेम होते हैं। नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन ये, कोई बंदा आता है मुझे कहता है, कोई दूसरे कंपनी से या मैनेजर आता है, क्वेश्चन मुझे जो है अपना स्कोप प्रोजेक्ट का शेयर कर, कौन सी चीज उनको मैं उठा के दूंगा सर, आप ये उसको, है हाँ कुछ आप उसको तो, इसमें PDF फाइल बनाएंगे, आप PDF फाइल नहीं उस स्कोप डॉक्यूमेंट को WBS नाम की नाम क्या गैंट होगा, चार्ट, नाम क्या यार होगा? नाम स्कोप वो कहेगा तो आप प्राइमरा P6 की फाइल दोगे, ठीक है, PDF फाइल, वो स्कोप पूरा WBS एक्टिविटीज सारी चीजें आ जाती है उसमें, ठीक है। वो लेक्चर नंबर 6 के अंदर अभी आप पहुंचे नहीं हो मेरा ख्याल है, तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे PDF फाइल कैसे बनानी है, जब कोई बंदा कहता है तो उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट विजर्ड है जिससे आप सीखते हो, और एक लेक्चर नंबर 6 है उससे आप सीखते हो ये सारी चीजें कैसे निकालना, ठीक है। अच्छा और लास्ट क्वेश्चन मेरा, तो बना स्कोप, स्कोप जो की रीढ़ की हड्डी जो है वो WBS है, सिंपल है ऐसे ही। एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है, समझ ठीक है गया। ना। इसके अलावा जी और किसी का सवाल, अब आप सवाल आ जाए कि मैं पूछूं, और शाहिद इकबाल रिंद,
आर यू रेडी? शुजा महमूद, यासिन मोहम्मद, कौन कौन रेडी यस है सर। भैया? हाँ, कौन सा लेक्चर कर रहे हो भाई आजकल शुजा? सर हम लेक्चर नंबर 4 पे सर कर रहे हैं। उसमें सर हमने एक काम किया है, जो आपने हम लोगों को BOQ प्रोवाइड किया उसमें सर हमने एक एक्टिविटीज और WBS को डिफाइन किया, बट कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा सर। आप उसको अगर यानी समराइज कर देते हैं एक्टिविटीज को अलग और WBS को अलग तक, तो उससे क्या होता है कि सर हम लोगों को प्लानिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती सर। ये तो समराइज किया तो हुआ लेक्चर में, क्या मतलब समझ नहीं आ रही उसमें? जैसे सर हम आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं तो आप उससे समझ जाएंगे इसको देख करके। हाँ जी, इसका जवाब तो फिर मैं क्लास के बाद ही दूँ तो बेहतर होगा। आप मुझे बाद में डिस्कशन में ले लें, ग्रुप में शेयर करें, अलहदा नहीं शेयर ओके करना, सर, ग्रुप में शेयर ओके कर दें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ओके यासीन है। यासीन क्या हाल है, सवाल पूछूं आपसे? शुजा ने तो मुझे सवाल उल्टा करके जान छुड़ा ली है जी। जी सर, यासीन, यासीन पूछो सवाल। नहीं, कोई मसला नहीं, यस सर, यासीन सवाल पूछो। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, यासीन कौन सा लेक्चर पे हो आप अभी? अब नहीं मैं सुन पा रहा आपको यासीन, आपका माइक म्यूट हो गया, पहले आवाज आ रही थी। वन सेकेंड सर, हेलो। यस यस, नो, ओके 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 ओके। हाँ यस सर, आई डिडंट गेट यू सर। हाउ मेनी लेक्चर्स यू हैव डन नाउ? आई टू कॉल द लेक्चर्स नाइन्थ ओके, नाइन, अंटिल नाइन्थ। ओके। मैं पूछ सकता हूँ कुछ? या अच्छा, या या मुझे प्लीज सर। प्लानिंग पैकेज क्या होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज प्लानिंग पैकेज? प्लानिंग पैकेज मीन्स वील हैव द बेस लाइन अलोंग विद वी रेफर द BOQ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी विल प्रिपेयर द बेस लाइन एंड वील हैव कैश फ्लो एंड द हिस्टोग्राम। आई थिंक दैट इज द प्लानिंग पैकेज। थोड़ा सा सारे इसको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर लें। बेस लाइन सही कहा, बेहतरीन, टू दी पॉइंट आपने जवाब दिया, बट थोड़ा सा ना कोशिश करें, सब लोगों के अंदर मुझे ना एक कमी महसूस हो रही है। कोई मसला नहीं, आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकूं। इस सेशन के बाद भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। देखें, एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ मैं आपको क्विज भी दूंगा। वो असाइनमेंट क्या है कि जब भी आज के बाद ऑनवर्ड आपने क्या कोशिश करनी है कि जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, दीज आर द इनफ वंस टू गेट प्रैक्टिस ऑन द थिंग्स के आप प्लानिंग इंजीनियर के जॉब इंटरव्यू के अंदर किस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। चीजों को सेल्फ टॉक करें, आप जब अकेले बैठे हैं तो आपने खुद से क्वेश्चन करना है, व्हाट इज प्लानिंग इंजीनियर? तो फिर खुद को बताएं, अच्छा मतलब फील करें दैट आप समबडी इज आस्किंग यू अबाउट दिस क्वेश्चन इन जॉब इंटरव्यू, तो आप खुद फिर अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करें, ये जरूरत सबको है, बिकॉज एवरीबडी इज एक्चुअली स्लिपिंग अवे, टेकिंग अवे मी फ्रॉम द टू द पॉइंट काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है, सीखेंगे। तो ये जो प्लानिंग पैकेज है ना, प्लानिंग पैकेज इज एक्चुअली द फाइनल डॉक्यूमेंट इन विच वी हैव बेस लाइन। बेस लाइन के साथ साथ इसके अंदर एक और चीज होती है, इस बेस लाइन के अंदर एक एक्चुअल सीपीएम होता है, एक रियलिस्टिक सीपीएम होता है, एस कर्व्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं। अच्छा, एस कर्व्स में ना आपने एक चीज ऐड करनी है इसमें, रिसोर्सेज की लिस्ट, ठीक है? हिस्टोग्राम्स भी ठीक है, एस कर्व्स, कैश फ्लो भी ठीक है, यानी कि आपने डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी, डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर के हमने कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट की हैं, ठीक है? ये चीजें, फिर आपके कंस्ट्रेंट्स, कि आपके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स होता है ना, वो माइलस्टोन्स के अंदर क्या क्या चीजें क्लाइंट ने कही है, तो वो भी आपने एक लिस्ट बनानी है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट। हो सकता है क्लाइंट ने शुरू में कहा हो कि मेरा ये फ्लोर इतने महीने तक बनना चाहिए, या रोड का इतना हिस्सा, या पाइपलाइन का ये वाला हिस्सा इस महीने से पहले पहले बनना चाहिए। वो क्लाइंट के जहन में और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यार मैंने इस टाइम तक ये करना है, तो वो भी एक लिस्ट लगी। मतलब सिंपल सी चीज है, बेसलाइन है, इसमें आप WBS का भी नाम अलहदा से ले, WBS की लिस्ट अलहदा से भी होती है, बेसलाइन में आ जाता है वो रियलिस्टिक सीपीएम होता है, उस बेसलाइन के अंदर एस कर्व्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी, डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, ठीक है? तो ये हमारे प्लानिंग पैकेज का एक हिस्सा होता है, ठीक है? और यानी कि इसमें प्रोग्रेस मेजरमेंट मेथड्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, जो हमने प्लानिंग इंजीनियर को कहा, पहला क्वेश्चन किया कि उसको क्या क्या चाहिए, तो प्लानिंग कंट्रोल प्रोसीजर था ना पहला, वो भी इसमें आएगा, क्योंकि उसी के अंदर मेंशन है कि भाई हमने आगे प्रोग्रेस कैसे मेजर करनी है। ये फिर साइंड होता है, तीनों पार्टी से साइन होता है, तीनों एग्री करती हैं, फिर इसके मुताबिक आपने एक्चुअल साइट डाटा लेना होता है प्राइमोग्राफी 6 में। अच्छा जी, साद फारूकी साहब, क्या हाल है? सर वन सेकेंड, जी जी हेलो। जी जी या बोले। सर, व्हाट इंक्लूड्स दिस प्लानिंग कंट्रोल?
वही व्हाट मैं आर द थोड़ा, स्टेप्स फॉर प्लानिंग कंट्रोल? हाँ प्लानिंग कंट्रोल प्रोसीजर्स के अंदर मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, प्लानिंग कंट्रोल प्रोसीजर के मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपका होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की डिवीजन कैसे करनी है, प्रोग्रेस कैसे मेजर करनी है, ठीक है, आपके यानी कि एक समझ लो वेटेजेस किस तरीके से होंगी, जो कि छठे लेक्चर का हिस्सा है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपकी वेटेजेस किस तरह से डिफाइन की जाती हैं, तो ये चीजें होती है, ओके पेमेंट मेथड्स क्या होंगे, ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गिवन होते हैं। मैं आपको ये भी शेयर करूंगा, ओके एक ग्रैंड सेशन करेंगे जब हम एंड पे, तो मैं कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक एक्सेल के अंदर थैंक यू प्रोजेक्ट सर, शेयर करूंगा जिसके अंदर वो सारे लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, ओके सर, ओके जी, सर अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम नुमान अस्सलाम सर। हाँ सर, सर, एक छोटा जवाब सा दें क्वेश्चन था सर। जी, नुमान नुमान को बोलने दें पहले, जी नुमान बोलने दें। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम प्रोजेक्ट में मतलब कॉस्ट असाइन कर रहे होते हैं, दो तरीके का रहे हैं कॉस्ट असाइन करने के, एक एक्सपेंस की शक्ल में कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज की शक्ल में कर सकते हैं। जब हम एक्सपेंस की शक्ल में कर रहे होते हैं, तो हम मशीनरी और मैन पावर का हम करते हैं आवर्स के लिए, और जबकि हम मटेरियल की करते हैं यूनिट की शक्ल में, जबकि एक्सपेंस में तो ऑप्शन बजट यूनिट का होता है, तो हम उसमें किस तरह हम कॉस्ट असाइन करेंगे? वहां तो ऑप्शन भी बजट यूनिट का है, तो पहले हम क्या अपनी मैन पावर और जो मतलब मशीनरी होगी उसको हम यूनिट के हिसाब से देखेंगे, या फिर इसका कोई और तरीका था? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं तो हमारे कहीं पे आवरली हिसाब से हैं, मटेरियल के यूनिट्स के हिसाब से हैं, मैन पावर में किस तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। नहीं सर, हम रिसोर्सेज को नहीं देख रहे, हम एक्सपेंस को साइन देखो मैंने ये आपको एक करेंगे। प्रोसीजर बताया था कि प्राइमावेरा P6 के अंदर एक फैसिलिटी है, समटाइम हमें Level 3 प्लान बनाना होता है, कोई ज्यादा रिसोर्सेज असाइन नहीं करने होते, तो ये मैंने एक फीचर बताया था कि एक्सपेंस की शक्ल में भी आप कॉस्ट देते हो। एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो BOQ के अंदर उस हेड के अगेंस्ट कॉस्ट है ना, उसमें क्या होता है कि एक यूनिट का रेट होता है और उसके टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम में कॉस्ट आर होती है BOQ में, BOQ का तो पता नहीं इस तरीके से, तो एक्सपेंस में भी वैसे ही होता है कि आप टोटल क्वांटिटी लिखते हो एक रेट को, एक यूनिट रेट दे देते हो, वो मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली कॉस्ट दे देता है। ये सिंपल सा तरीका है जो कि बेसिक लेवल पे करते हैं हम लोग, समटाइम हमें इस तरह के शेड्यूल बनाने की जरूरत भी पड़ती है प्रोजेक्ट प्लानिंग इनिशियल स्टेजेस पे, जब हमने क्लाइंट को डिफरेंट तरह के इसके वर्जन दिखाने होते हैं, समझ रहे हैं, वहां पे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती अभी। फिर नेक्स्ट डिटेल्ड प्लानिंग होती है जहां पे हम रिसोर्सेज करते हैं, तो फिर वहां पे एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना है कि अगर एक्सपेंस एलोकेट किया है, एक्सपेंस में कॉस्ट दी है, तो रिसोर्सेज में नहीं देनी भाई, वो डबलिंग हो जाएगी। प्राइमावेरा P6 दोनों को ऐड करके मे भी आपका प्रोजेक्ट $1,000 का है, तो दोनों जगहों पे कॉस्ट दिया तो वो $2,000 शो करेगा और आप परेशान होंगे, यार ये मेरा प्रोजेक्ट डबल कॉस्ट क्यों शो कर रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया था एक्सपेंस में तब करें जब आपको एक मतलब एक समरी टाइप प्रोजेक्ट बनाना है, रिसोर्सेज के अंदर जाके जब डिटेल्ड प्रोग्राम बनाना है आपने, अब वहां पे आप ज्यादातर क्या होता है कि आप एक यानी कि एक ऐसा मटेरियल रिसोर्स, उसमें भी काफी तरीके हैं, हर एक रिसोर्स को कॉस्ट नहीं देनी, दैट वुड बी वेरी लिबोरियस। कुछ चीजें मैं भी इंडस्ट्री बेस्ड आपको बताऊंगा, बाई बुक तो वो कहते हैं जी के लेबर की लेदा पैसे हो फलाने के, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फाउंडेशन है ये देखें, अब आप कहें कि यार यहाँ पे मैं सारे फाउंडेशन की ही एक एक्टिविटी ले लेते हैं एक्सकवेशन, ठीक है, तो अब आप एक्सक्वेशन को कॉस्ट देंगे तो आप कहते हो कि लेबर के लादा BOQ के अंदर ये कॉस्ट है जनाब, ये लमसम आप निकाल लेते हो BOQ के अंदर, क्योंकि देखो BOQ जिस तरीके से बनाया जाता है बींग अ क्वांटिटी सर्वेयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी आइटम्स के रेट कम रखने पड़ते हैं और बड़ी आइटम्स के रेट ज्यादा, कुछ ऐसी भी एक बड़ी जबरदस्त चीज, क्योंकि जिन चीजों के रेट की एस्केलेशन फील होती है उनको आप फिर उस तरीके से लेके चलते हो, तो बड़ी सारी इसमें भी सियासत होती है। बहरहाल मैं जो एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एक्सक्वेशन है, अब इसका टोटल 1,000 यूनिट है, 1,000 क्यूबिक मीटर है और एक यूनिट की प्राइस 1 रुपी है, तो टोटल कितनी प्राइस आ गई, 1,000। अब आप कह रहे हो कि यार मैं इसके ऊपर जो रिसोर्सेज है लेबर है, ठीक है, इसके ऊपर ड्राइवर है, एक्सक्वेटर है, इसमें पानी वाला वाटर बाउजर है, उसका ड्राइवर है, ये इतने, अब मैं इनको इतने इतने पैसे दूं कि मेरा 1,000 रुपए आ जाए, आना तो ऐसे चाहिए ना, ये 1 रुपया आगे पीछे नहीं होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट वही आनी चाहिए, तो इतना तो भाई ये तो फिर मतलब वो है ना कि अब आप क्या करते हो कि एक्सक्वेटर का एक ये एक्टिविटी मटीरियल रिसोर्सेज के अंदर ना आप एक मटीरियल रिसोर्स आप इसको क्रिएट कर लेते हो और एक्सक्वेशन के नाम से, ताकि आपको याद रहे एक्सक्वेशन के नाम से, ठीक है, अब इसको आप एलोकेट कर दोगे और इसकी यही प्राइस आप रिसोर्सेज के अंदर मतलब समझ गए, अगर आपने
करना नहीं जी मैंने इनको भी देना है, तो फिर आपको काफी सारी वर्किंग करनी पड़ती है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है ये 1000 का कैसे आएगा, वो भी हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। अब 1000 रुपए को इक्वली डिफाइंड इक्वली नहीं कर सकते, लेबर पे 100 रुपए लग सकता है, लेकिन अगेन दैट इज टाइम टेकिंग। फिर इस तरह का जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट होता है उसके लिए टाइम भी फिर उतना ही चाहिए होता है, सही है ना? तो ये डिफरेंट तरीके आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है बड़ा सर। अच्छा सर, एक जी जी पूछें। इस तरह का डिटेल प्रोजेक्ट हमें चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस करें, और क्योंकि हाँ हम मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो अभी हमें आपका रिस्क लेक्चर कौन सा तो है? सर 9 हो गया। हाँ मैं आज एडमिन को कह देता हूँ, वो सैंपल प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप अपने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये लिखते जाएं, ग्रिड स्टेशन का भी प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट है, वो आपको सैंपल के तौर पे दे देंगे, तो फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर, अच्छा शुक्रिया। अच्छा मैं एक क्वेश्चन ले लूं, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है गुलशन का। गुलशन कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से चेक करते हैं ये सही बना या नहीं सही बना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल हेल्थ चेक पैरामीटर्स, ये क्या होते हैं? बिल्कुल हम जब भी अपने जो 5वें लेक्चर चौथे लेक्चर तक है उनको तो अभी, लेकिन फिर भी एक 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 प्रोसेस है, मैं आपको समझा देता हूँ, आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगी। प्रोजेक्ट शेड्यूल जब हम बना लेते हैं ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीचेक के यार हमारा जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है इसकी सही बना है कि नहीं। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम चेक करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है, हमें अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल का सीपीएम देखना होता है कि क्या हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूल का क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक है या नहीं। द सिंपल फर्स्ट थिंग, क्रिटिकल पाथ रियलिस्टिक होना चाहिए। हाइपोथेटिकल भी होता है हवा में, वो कैसे होता है? आपके फ्लोट की लिमिट होती है, फ्लोट लिमिट मतलब के जो भी आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का फ्लोट होगा ना, वो आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल का 10% होना चाहिए, 10 to 15%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लें, कोई मसला नहीं, मैं समझाता हूँ क्या है। मतलब कि अगर आपके प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन 1000 डेज है, तो आपके जो फ्लोट है ना, मैक्सिमम फ्लोट किसी भी एक्टिविटी का, वो 100 to 150 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1000 डेज का अगर प्रोजेक्ट है तो टोटल फ्लोट जो है किसी भी पाथ का वो इससे ज्यादा, ये लिमिट है 100 to 150, 10 to 15%, ये आपका एक है। फिर आपका नेगेटिव फ्लोट नहीं होना चाहिए। ये आप कैसे चेक करते हो अभी मैं बताता हूँ आपको, बताना क्या, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा ये कैसे है। मेरे मैंने बनाई हुई है वीडियो। नेगेटिव फ्लोट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव फ्लोट कब आता है? जब आपकी एक्टिविटीज के रिलेशनशिप गलत होते हैं। क्या होते हैं? गलत। दूसरी चीज, आपकी एक्टिविटीज के दरमियान एक चौथा रिलेशनशिप देखा है ना, स्टार्ट टू फिनिश, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास क्या चीज नहीं होनी चाहिए? लैग और लीड। लैग और लीड एक प्रोजेक्ट की रिलेशनशिप के अंदर हम यूज करते हैं इनको, हमने ये नहीं कि ये नहीं होने चाहिए, इनको रीचेक करना पड़ेगा। रीचेक का मतलब क्या है कि अनरियलिस्टिक लैग नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि एक एक्टिविटी पैरेलल हो ही नहीं सकती, तो हमने पैरेलल स्टार्ट की हुई है, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स, हार्ड कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ये हार्ड कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? मैंडेटरी कंस्ट्रेंट होते हैं कि हम मेरी ये एक्टिविटी इसी दिन को स्टार्ट होनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इससे आपके प्रोजेक्ट का सीपीएम कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? ये प्राइमावेरा P6 के अंदर ये कमांड है, F9 प्रेस करते हैं जब प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं। लेक्चर 4 वाले नहीं अभी इसको समझ दे सकते हैं, क्योंकि दे हैव टू स्टडी, अभी उन्होंने पढ़ना ही है। तो जब हम प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं, उसकी कमांड आई है F9। F9 जब क्लिक करते हैं ना, तो फिर हमारे पास एक विंडो आती है, वहां पे जाके हमें एक ऑप्शन मिलता है लैग, सॉरी हाँ, वो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। फिर वो एक रिपोर्ट बना के देता है, ठीक है। वो रिपोर्ट जो होती है वो हमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है, इस प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज हैं, कितना नेगेटिव फ्लोट है, कौन कौन सी एक्टिविटी का मल्टी रिलेशनशिप्स हैं, वो सारी चीजें, वो मैं लिंक भी शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर। कोई बंदा अभी मैसेज कर दे एडमिन को कि प्रोजेक्ट शेड्यूल हेल्थ चेक पैरामीटर्स की वीडियो, वो आपको, वो यूट्यूब पे मेरे मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा टिप था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अस्सलाम जी जी बोले। वालेकुम। तो पहली बात तो ये, आपने, मैंने आपको एक शेयर किया था अपना एक प्लान, उसको आपने जी चेक जी किया। ठीक था, कोई इतना मसला नहीं है उसमें, मैंने चेक कर लिया था। अच्छा मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, अभी आप जितने भी बता रहे हैं जो प्रोजेक्ट वो ईपीसी है, अब मेरी जो कंपनी है वो खाली कंसल्टिंग करती है डिजाइन, यानी हम लोग डिजाइन पैकेज करते हैं आईएफसी तक, बाद में इश्यू पर बिट करके हम लोग दे दें कॉन्ट्रेक्टर को, तो इसके लिए यही मैटर रहेगा पूरा जो मैंने बनाया था, सही था वो?
हाँ सही था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी करंट कंपनी को जो कर रही है आपने जिंदगी में वही करना है। आप जो सीख रहे हो वो ईपीसी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज्यादा इसकी मांग है, तो आप उस तरीके से सीखें। आप सही कह रहे हो, अगर आप डिजाइन कंपनी के हैं तो आपका एक प्रोसीजर होता है डिजाइन के आईएफसी तक, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपका काम खत्म है। लेकिन आप उसके बाद वाला काम भी सीखेंगे जो इसमें जी सिखा रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर आप उन कंपनीज में जा सकते हैं जो इससे भी बड़ी है। ठीक है ना? अच्छा एक मेरा इशू पता क्या, एक्टिविटी के अंदर जो नीचे से ऊपर नहीं आ रही, वो मेरे जितने भी है ना, जो मेरा फर्स्ट जो है साइड विजिट वो नीचे आया हुआ है, ऊपर कैसे आएगा वो? वो स्क्रीनशॉट शेयर करना मेरे साथ ग्रुप मैं के। करूंगा अच्छा आपको। ठीक है इंशाल्लाह। एक बच्चे का क्वेश्चन मैं ले लूं, वो कह रहे हैं सर निहाद वेयर डू वी गेट द बीओक्यू फ्रॉम, क्वांटिटी सर्वेयर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स में होता है बीओक्यू निहाद, ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर होता है जो आपको ये देगा। अच्छा गुलशन के हो गए सवाल पूरे। सर व्हाट्स ड्राइविंग एक्टिविटी एंड ड्राइविंग रिलेशन शेड्यूल, ड्राइविंग एक्टिविटी क्या होती है? ड्राइविंग एक्टिविटी ये होती है कि जिस किसी भी वर्क पैकेज के अंदर जो पहली एक्टिविटी होती है उसको हम ड्राइविंग एक्टिविटी कहते हैं, मिसाल के तौर पे, या ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि आप किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मैं ये एक्टिविटीज नहीं लिख रहा, ये मैं लिख रहा हूं वॉल्स कॉलम्स लिख लें, बीम लिख लें, टॉप रूफ लिख लें, फिर इसके बाद एमईपी लिख लें, मैकेनिकल लिख, तो फाउंडेशन ड्राइविंग है, फाउंडेशन बनेगी तो वॉल्स बनेगी, वॉल्स बनेगी तो टॉप रूफ बनेगी, तो ये दिस वन इज ड्राइविंग, दिस वन ड्राइविंग फॉर दिस वन वॉल्स, इसके लिए ये इसके लिए इसको ड्राइव कर रही है। ठीक है सर जी प्रेडिसेसर इसको कह सकते हैं, तो वो ड्राइविंग एक्टिविटी जो भी प्रेडिसेसर होगा सक्सेसर का ड्राइवर होगा, राइट? जी जो पहली एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं ड्राइविंग एक्टिविटी, जिस पे बाकी एक्टिविटीज डिपेंड कर रही हो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी पूछें इजाज़। एक एक प्लानिंग इंजीनियर को आप एक जॉब असाइन हो जाती है आपको, तो आप चले जाते हैं फील्ड पे। बीइंग अ प्लान इंजीनियर, आपको मेन जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं वो मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस क्या हो सकती हैं? जबरदस्त जबरदस्त इजाज़, जबरदस्त क्वेश्चन, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद वी आर गोइंग टू एंड अप दिस वन, आप इसके बाद आप ग्रुप में मुझे कंटिन्यू कीजिएगा। बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर जो चैलेंजेस हैं, कम्युनिकेशन इज द मच 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 मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि मेरा ख्याल है ना तो प्राइमर आपको सिखाता है, कोई चीज नहीं सिखाती आपको। कम्युनिकेशन क्या है, आपने अपने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है ना, क्लाइंट कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर, इनको कम्युनिकेशन में लेके आना होता है, सबको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। द बिगेस्ट चैलेंज इज कम्युनिकेशन, हर पार्टी को पता होना चाहिए फॉलो अप, ये सबसे बड़ी चीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है यार, ऑन ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। ऑन ग्राउंड रियलिटी का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट की जो लॉजिक है ना उसकी समझ होनी चाहिए। लॉजिक का मतलब क्या है कि अच्छा एक बिल्डिंग बनेगी तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे मेरी ब्रेक लगेगी, कहाँ कहाँ पे मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए। नो डाउट दिस विल कम आउट फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट बींग अ इवन फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर वही लॉजिक आपने यूज करनी है प्राइमावेरा P6 के अंदर। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है और आपकी प्राइमावेरा P6 के अंदर जो स्ट्रेटजी होगी, जो आपकी साइट की स्ट्रेटजी है, देखो आपके बड़े आपको कहेंगे नहीं नहीं कर दो बट यू आर द वन, इफ यू आर वर्किंग इन कंट्री लाइक पाकिस्तान और इंडिया वेयर प्लानिंग और शेड्यूलिंग एस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इज ओवर रूल्ड एवरी टाइम, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यार जो मेरा साइट पे चलेगा मैंने उसी तरीके से प्राइमावेरा में एक लॉजिक देनी है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को ना मतलब ऐसे ही शुगर में ले लिया जाता है, प्रोडक्टिविटी का चैलेंज बहुत ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए मेरी साइट पे ये रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं। अब मेरे एक प्रोजेक्ट पे मैं आपको उसकी एग्जांपल, मुझे अभी मैं रिसेंटली एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम ग्रीन प्रोजेक्ट है, जीरो से है स्टार्ट, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ठेकेदार ऐसा ही है, मतलब समझ लें कि जिसके पास प्लानिंग इंजीनियर भी नहीं है, सो बीइंग अ कंसल्टेंट आई एम डूइंग एवरीथिंग, सो उनको अपनी प्रोडक्टिविटी का भी नहीं पता, सो उनका प्रोजेक्ट 1-2 महीने कुछ बेसिक सिविल की एक्टिविटीज हुई है ना, तो हमने निकाली है उसकी प्रोडक्टिविटी, तो वही प्रोडक्टिविटी जो है मैं अगर किसी और कंपनी के किसी और डॉक्यूमेंट से निकाल देता तो वो शेड्यूल और ही बन जाना था, तो उनकी ही प्रोडक्टिविटीज निकाल के हमने देखा यार कितने टाइम में कर सकते हैं जो इस टाइम, तो उसी को हम कह सकते हैं आप इसको इंक्रीज करो, ये करो वो करो, तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं ऑन ग्राउंड। आपके पास प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी से आपके पास सीपीएम आएगा, सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस करते हो बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, और एक्सपीरियंस आ भी जाए फिर भी करते हो क्योंकि प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज वेरी यूनिक थिंग, हर प्रोजेक्ट पे अपनी तरह के चैलेंजेस होते हैं, बट दीज आर द जेनेरिक वंस जो आप हर प्रोजेक्ट पे फेस करते हो, और इनको ओवरकम भी किया जाता है रिस्क असेसमेंट से, ऑब्वियसली यही चैलेंजेस आपके लिए रिस्क बन जाते हैं,
और इन्हीं की रिस्क असेसमेंट होती है, आइडेंटिफाई किया जाता है ये मसला होगा तो मुझे अल्टरनेटिव किस तरीके से लेके चलना है, मेरे पास अल्टरनेटिव प्लान क्या है। ठीक है सर एक सवाल है सर, डुप्लीकेट उमेर अशरफ, डुप्लीकेट एक्टिविटी आईडीज होने ही नहीं चाहिए। प्राइमेवरा P6 जो है वो डील ही नहीं करता, डुप्लीकेट एक्टिविटी आईडी जनरेट ही नहीं करता यार। ये आप मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं जी। जिनका एक सवाल है पूछें। सर इफ वी डू अ प्रोसेस विद टू डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन नो द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी हाउ P6 विल जनरेट रिपोर्ट्स, ये हम चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं या आर कर्व के थ्रू? समझ नहीं आई मुझे आपके सवाल की, यकीन करें। सर के सर ये दो दो डिफरेंट मेथड से हमने एक प्रोसेस किया है, क्या प्रोसेस मेथड है, किस चीज का मेथड है? सर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हाँ ठीक है ठीक है सर, कोई चीज बनानी है उसको हमने दो डिफरेंट मेथड से किया है सर, सलाम हम उसकी एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं हर मेथड। अच्छा यार ये कितनी पश्तो शुरू हो गई है भाई मेरे। अच्छा बोले 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 जिनका सवाल था जो बोल रहे थे जी बोले, मेथड है क्या आगे हो गया कि उनकी एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं। यार ये तो एक्सेल में भी कर सकते हैं, प्राइमावरा के अंदर तो आप एक देखें, ये तो रिसोर्स प्रोडक्टिविटी आप कर रहे हैं ना प्राइमावरा, मुझे इस सवाल की ये तो एक्सेल में भी हो सकता है ना, प्रोसेस लिखो एफिशिएंसी कैसे, एफिशिएंसी तो ऑन साइड ही चेक होगी ना तो काम चल रहा है। शायद मैं आपके सवाल को समझा नहीं अभी तक। एक्सक्यूज मी सर, उमेर बोल रहा हूँ। जी जी हेलो जी सर, जो उमेर, मैं लिखा ना डुप्लीकेट एक्टिविटी आईडी, सर मैंने ना वर्क पैकेजेस की हम जहाँ डिटेल करते हैं एक्टिविटी की डिटेल बयान करते हैं, यानी कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देते हैं उसमें, आप हम मुझे वर्क लिख के पैकेज भेजें, आप पेपर पे लिखें उमेर अशरफ जो सर्टन बात कर रहे हैं ना, आप वो लिख के ना ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर दें ठीक है, चलें सर, क्योंकि कुछ चीजें विजुलाइज हो तो उनका ज्यादा। ठीक है जी फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आई विल सी, जिनके क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में शेयर कर दें मुझे। सो आई होप के आज की जो प्रैक्टिस मैंने एक असाइनमेंट बताई हुई है एक जॉब इंटरव्यू को किस तरह से एक्सप्लेन करना, वो थोड़ा सा कोशिश करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्विज में मैं फिर आपको चेक करता हूँ, वो भी इसी वीक के एंड पे होगा। सो ओके सी यू इंशाल्लाह।